हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसकी बात करेंगे हम। तो 16 जुलाई आज की डेट रहेगी, आज आपका एग्जाम नहीं रहेगा। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के आगे आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाली शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूएनओ वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज। तो यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको नोबल प्राइज दिया गया था कौन से साल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2001। तो 2001 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब इंडियन जितने भी रहेंगे जिनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया है, वो आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who introduced the permanent settlement in Bengal? तो बंगाल के अंदर permanent settlement जो लाया गया था, जो introduce किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था। तो हमारा answer हो जाएगा Lord Cornwallis। Lord Cornwallis जो है, इनके द्वारा introduce करा गया था permanent settlement को बंगाल के अंदर। अब आपसे question पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था, जो बंगाल partition हुआ था, ये कब हुआ था। तो 1905 में बंगाल partition हुआ था, आपको year याद रखना है। The first newspaper which was published in India was, इंडिया के अंदर जो पहला newspaper publish किया गया था उसका क्या नाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा The Bengal Gazette। The Bengal Gazette जो है, ये भारत का पहला newspaper था जो कि publish किया गया था इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो महात्मा गांधी रहेंगे, उनके द्वारा कौन से newspaper हैं जो कि publish करे गए थे, राजा राम मोहन रॉय रहेंगे, तो इन सबके द्वारा जो जो newspaper लॉन्च करे गए थे वो आपको पता होने चाहिए, उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। Who was the Governor General of India at the time of revolt of 1857? तो 1857 का जो revolt हुआ था, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के revolt के टाइम पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये गवर्नर रहेंगे, गवर्नर जनरल थे revolt of 1857 के टाइम पे। अब आपसे पूछा जाता है कि 1857 में लखनऊ में किसने लीड करा था, कानपुर में किसने लीड करा था, मेरठ में किसने लीड करा था। तो अलग अलग जगह से आपसे पूछा जाता है कि किस किसके द्वारा लीड करा गया था, तो उस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the first woman judge of Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। तो अभी आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस जो होते हैं, आज तक वो महिला नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वुमेन जज, तो जज महिला बन चुकी है, तो पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी जो है, ये पहली महिला जज रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। When was the Indian national flag adopted? Indian national flag जो adopt किया गया था, ये कब किया गया था, कौन सी डेट को किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसको अडॉप्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, इसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ईबुक लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ईबुक रहेगी इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपको 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं आपके एमटीएस एग्जाम के लिए। इसमें प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते, तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, In which year Planning Commission was formed? तो Planning Commission को कौन से साल में form किया गया था? आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू के recommendation के थ्रू इसको form किया गया था, तो कौन सा year रहेगा? तो हमारा answer हो जाएगा 1950 में Planning Commission को form किया गया था। Planning Commission का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग, तो अब current time में नीति आयोग के नाम से Planning Commission को change कर दिया गया है। अब जो नीति आयोग की अगर हम बात करें, तो 2015 में establish किया गया था, उसके current time में head कौन है? तो जो नीति आयोग होता है, उसके जो भी current time में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हेड होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड है नीति आयोग के।
सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सरिस्का नेशनल पार्क कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है सरिस्का नेशनल पार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा स्टेट की ट्रेडिशनल पेंटिंग आपको पता होगी, हमारा आंसर हो जाएगा पटचित्र, पटचित्र जो है ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है उड़ीसा स्टेट की, जो कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग में मानी जाती है। Which of the following is an ancient book written by Banabat? Banabat जो है इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कादंबरी। और आपको पता होगा हर्षचरित्र जो है, जो कि हर्षवर्धन जो है उनकी लाइफ के ऊपर लिखी गई है, वो भी लिखी गई है बानाभट्ट के द्वारा। तो दोनों बुक रहेंगी इंपॉर्टेंट रहती हैं, दोनों लिखी गई हैं बानाभट्ट के द्वारा। मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो मटकी जो है ये एक इंडिया का पॉपुलर फोक डांस है, कौन सी स्टेट का रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट का डांस रहेगा मटकी डांस, जो कि एक पॉपुलर फोक डांस है। मध्य प्रदेश जो स्टेट है सबसे ज्यादा इंडिया में फॉरेस्ट कवर जो है वो कहाँ पे है, तो वो रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में, और मध्य प्रदेश स्टेट में ही इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, जो कि रहेंगे 11 नेशनल पार्क। Which dynasty was founded by Qutbuddin Aibak? Qutbuddin Aibak के द्वारा कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये फाउंड करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये एक दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी रहेगी। और जो इकलौती महिला रूलर हैं जिन्होंने शासन करा है दिल्ली सल्तनत की, वो कौन रहेंगी, तो वो रहेंगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो भी स्लेव डायनेस्टी की ही एक रूलर रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हमारी करंट टाइम में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 के थ्रू इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। Who was the President of Congress during Belgaum session of 1924? तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी जाए तो उसमें जो 1924 का जो सेशन होता है उससे सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1924 का जो सेशन था ये इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको पता होगा हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 के सेशन के। आपसे सेशन का नाम भी पूछा जाता है तो बेलगांव सेशन रहेगा जिसकी प्रेसिडेंसी करी थी महात्मा गांधी ने। Which of the following vitamin helps in the absorption of calcium? तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्ब किया जाता है उसमें कौन सा विटामिन होता है जो कि हेल्प करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम को, जो कैल्शियम होता है उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है विटामिन डी के थ्रू। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, तो सनलाइट जो है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, कल की ही वीडियो में हमने डिस्कस करा है, हमारा आंसर हो जाएगा असम, असम स्टेट में लोकेटेड है औरंग नेशनल पार्क। Which day in India is observed as the Civil Services Day? Civil Services Day कौन से दिन को मनाया जाता है भारत में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है हिंदुस्तान में। Who is the author of the book The Blue Umbrella? The Blue Umbrella book किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, एक इंडिया के काफी फेमस ऑथर रहेंगे, इनके द्वारा बुक लिखी गई है द ब्लू अम्ब्रेला। अ सुइटेबल बॉय जो बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है विक्रम सेठ की रहेगी, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की रहेगी, जिस बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। खुशवंत सिंह जो है इनको भी पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान जो बुक है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उमलिंग ला पास सीन रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन, तो उमलिंग ला पास जो कि करंट टाइम में भी न्यूज में चल रहा है, अगर आपका कोई एग्जाम चल रहा है उससे पहले कोई चीज न्यूज में चल रही है तो उससे रिलेटेड आपको पूरी उससे डाटा जो होता है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो उमलिंग ला पास जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख जो कि करंट टाइम में यूनियन टेरेटरी है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है उमलिंग ला पास। पासेस जो होते हैं काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो पासेस की आपको जल्दी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following scientists invented dynamite? Dynamite किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी और अल्फ्रेड नोबल के नाम पे ही नोबल प्राइज को रखा गया है। और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड रहेंगे, तो स्वीडन जो कंट्री है वहां के एक सिटीजन थे अल्फ्रेड नोबल, मतलब जो नोबल प्राइज होता है वो जो स्वीडन कंट्री है उसके द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which part of a plant cell traps sunlight to make sugar?
तो जो प्लांट सेल होता है उसका कौन सा पार्ट होता है जो कि सनलाइट को इकट्ठा करता है और शुगर के फॉर्म में बनाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट के सेल का एक पार्ट होता है जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को और उससे जो शुगर होती है उसका फॉर्मेशन करता है, या फिर फूड बोल सकते हैं हम। जो फूड फॉर्मेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सनलाइट को यूज करके करता है प्लांट सेल में। यहाँ पर जो शुगर है ये उनका फूड रहेगा, जो प्लांट का फूड होता है उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? सबको पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद, तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये सबको पता होता है। ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि टफ होते हैं, तो इसमें सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज सेटअप इन कोलैबोरेशन विद? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। लेकिन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, रशिया का जो क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं पूछा जाता, इसकी चांसेस काफी कम रहेगी आपसे पूछे जाने की। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कौन सी स्टेट में है, तो आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु स्टेट में रहेगा कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कोलैबोरेशन में बनाया गया है रशिया के साथ मिलकर। Which of the following is a disease caused by protozoa? Protozoa के द्वारा कौन सी डिसीज होती है, बीमारी होती है जो कि होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काला अजहर। काला अजहर जो है ये एक बीमारी होती है जो कि प्रोटोजोआ से रिलेटेड होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। Which among the following financial institute was nationalized in 1949? हमारी जो करंट अफेयर की वीडियो है उसमें हमने काफी बार डिस्कस करा है, हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल होते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1935 में RBI स्टैब्लिश किया गया था, 1937 में कोलकाता से मुंबई इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया गया था, और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। तो 3 ईयर होते हैं 1935, 1937 और 1949 जो कि आपको ध्यान रखने हैं। Which among the following is the oldest mountain hill range in India? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जो है ये इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं या फिर हिल रेंजेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। Which city will host the 2023 AIBA Men's World Boxing Championship? तो Men's World Boxing Championship जो होने वाली है 2023 में, वो कौन सी सिटी होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद जो सिटी है ये होस्ट करने जा रही है 2023 का बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब अगर आपसे कंट्री आपसे एग्जाम में दे दी जाए तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? तो ताशकंद जो जगह है, जो सिटी रहेगी, ये कहाँ पे है? तो ये है उज्बेकिस्तान में, तो आपको ऑप्शन में उज्बेकिस्तान भी मिल सकता है। When is the World Malaria Day observed? World Malaria Day कब होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। हर साल 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में। डेज के ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो डेज की सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगी थीम के साथ, आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय दी? तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ज्यादा कि कैग ऑफिसर जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। और आपसे मनी बिल जरूर पूछा जाता है, तो 110 जो आर्टिकल होता है 110 वो मनी बिल से रिलेटेड होता है, और आर्टिकल 148 रहेगा कैग ऑफिसर से रिलेटेड। अब जो कैग ऑफिसर होते हैं इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ज्यादातर जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही करी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। वेयर इज द कार्डमम हिल लोकेटेड? अब आपको ध्यान रखना है कि कार्डमम हिल जो है, जो हमारी साउथ मोस्ट जो हिल है वो कौन सी हिल रहेगी? तो वो रहती है कार्डमम हिल्स। तो साउथ मोस्ट रहेगी, तो साउथ में कौन सी हमारी स्टेट हो जाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कार्डमम हिल्स, जो कि सदर्न मोस्ट हिल रहेगी इंडिया की। Where is the tomb of शेरशाह सूरी located? शेरशाह सूरी का जो tomb है ये कहाँ पे located है? अब सबको पता होता है कि बिहार स्टेट में located है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है ये बिहार स्टेट के ही मिल गए, तो आपको जो सिटी रहेगी वो भी ध्यान रखनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम जो जगह है बिहार में, वहां पे tomb रहेगा शेरशाह सूरी का, तो ये आपको सासाराम जो जगह है ये भी ध्यान रखनी है। Which is the highest point in the Aravali ranges? तो अरावली हिल्स हमने डिस्कस करा, सबसे बड़ी हिल है इंडिया की। अब उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है अरावली रेंजेस का, या फिर अरावली हिल्स का।
When was the right to property removed from the list of fundamental rights? तो fundamental rights जो होते हैं उसकी list में right to property भी था, उसको हटा दिया गया कौन से साल में? तो हमारा answer हो जाएगा 1978. तो 1978 में right to property को हटा दिया गया था fundamental rights में से. When did Kannam Maleshwari get the Padma Shri? तो Padma Shri से Kannam Maleshwari को कौन से साल में सम्मानित किया गया था? तो हमारा answer हो जाएगा 1999 में कन्नम मलेश्वरी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था. लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन थी जिनके द्वारा ओलंपिक में मेडल जीता गया था वेट लिफ्टिंग में. वेट लिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है, तो वेट लिफ्टिंग में कन्नम मलेश्वरी के द्वारा सबसे पहला मेडल जीता गया है महिलाओं में इंडिया के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए. और इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था कौन से साल में हुआ था? तो 2000 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने जीता था. और अब दूसरी महिला कौन बनी है? तो दूसरी महिला अभी टोक्यो ओलंपिक में बनी है, कौन रहेंगी? तो मीराबाई चनू जो है वो करंट टाइम में, अभी आपको पता होगा वेट लिफ्टिंग में उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, तो वो दूसरी महिला बन गई है इंडिया की ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली, तो ये आपको ध्यान रखना है. और टोक्यो ओलंपिक में जो सबसे पहले भारत को मेडल दिलाया है वो मनुभाई चनू ने ही दिलाया है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विद विच गेम वॉज केडी जादव एसोसिएटेड? तो पर्सनैलिटीज कौन से गेम से रिलेटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम्स के लिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. और इसकी जो सेपरेट वीडियो रहेगी कि कौन सी पर्सनैलिटी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो केडी जादव जो है कौन से गेम से एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेसलिंग. रेसलिंग जो गेम है उससे रिलेटेड ही रहेंगी केडी जादव भी. तो जो फेमस पर्सनैलिटीज होती है उनका नाम ध्यान जरूर रखें. विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक्स दी श्रीनगर टू लेह? तो श्रीनगर को लेह से कौन सा पास है जो कि जोड़ता है? तो आपको पता होगा कि जोजिला पास जो है ये पास रहेगा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है. विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? आपको पता होगा मजूली आइलैंड रहेगा, आसाम स्टेट में आता है. और ये कौन सी रिवर पे है? रिवर जरूर आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये रहेगा. The time period of second 5-year plan in India was, second 5-year plan का time period क्या है? तो जो first 5-year plan होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है. second 5-year का रहेगा 1956 से लेकर 61, first का रहेगा 1951 से 56 और third का रहेगा 1961 से 66. Who was the first chief election commissioner of India? तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन. सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा चांसेस रहेगी आपके एग्जाम में पूछे जाने की. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि पॉपुलरली नबार्ड के नाम से जाना जाता है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982. तो 1982 में नबार्ड जो बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको एस्टेब्लिश किया गया था. विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किबीथू. किबीथू जो है ये कहाँ पे रहेगा? तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी रहेगी? तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां का एक हिस्सा रहेगा किबीथू. अब आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, नॉर्थन कौन सा है और सदर्न कौन सा है. तो अगर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सा रहेगा? तो इंदिरा कोल जो पॉइंट है ये इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है. अब नॉर्थ में कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रहेगी? तो लद्दाख रहेगा, तो लद्दाख का एक पार्ट है इंदिरा कोल. अब अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आ जाएगा, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा आपका गौर माता. गौर माता जिसको कि गौरी मोती के नाम से भी जाना जाता है, तो गौरी मोती बोल सकते हैं आप या फिर आप गौर माता के नाम से इसको याद रख सकते हैं. तो गौर माता कहाँ पे हो जाएगा? तो आपकी वेस्ट मोस्ट स्टेट कौन सी हो गई? गुजरात. तो गुजरात में रहेगा आपका गौर माता. और अगर आपसे सदर्न मोस्ट पूछ लिया जाए तो सदर्न मोस्ट रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट जो है ये पॉइंट रहेगा अंडमान निकोबार में. अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इंडिया का, वहां पे इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का. चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं. जीतू राय इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जीतू राय कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शूटिंग. शूटिंग स्पोर्ट रहेगा जिससे रिलेटेड है जीतू राय. उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू कश्मीर? तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि उरी डैम कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में रहेगा. उरी से आप ध्यान रख सकते हैं कि उरी में जो बेस कैंप था उस पर हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, तो उरी जो जगह है ये जम्मू कश्मीर में है. तो आपको ध्यान रहेगा कि उरी डैम जो है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है. अब आपसे रिवर काफी पूछी जाती है इसकी, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सी रिवर है? तो झेलम रिवर. झेलम जो रिवर है वहां पे लोकेटेड है उरी डैम.
जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था. तो हमारा आंसर हो जाएगा 101 अमेंडमेंट एक्ट. तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था. अब अगर जीएसटी की बात करी जाए तो जीएसटी जो है फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स. जीएसटी जो है सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इंप्लीमेंट करा था, तो फ्रांस के द्वारा किया गया था. इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे पहले किया गया, तो आसाम स्टेट में किया गया था. और जो हम फॉलो करते हैं वो कौन सी कंट्री का करते हैं, तो कैनेडियन जीएसटी जो है उसको हम फॉलो करते हैं, उससे सिमिलर हमारा जीएसटी जो है वो रहेगा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर. तो मूसी और भीमा जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर. तो कृष्णा रिवर जो है ये साउथ में फ्लो करती है, इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरी रहेंगी मूसी रिवर और भीमा रिवर. तो ट्रिब्यूटरीज भी आप जरूर ध्यान रखें. शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. तो शोर टेम्पल कहाँ पे है, तो हमारा आंसर है तमिलनाडु. तमिलनाडु में रहेगा शोर टेम्पल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिफाइनिंग यूनिट इन इंडिया. सबको पता होगा सबसे पुरानी रिफाइनिंग यूनिट कौन सी है इंडिया में, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिग्बोय. कहाँ पे रहेगी, आसाम में. आसाम में एक जगह है, सिटी रहेगी दिग्बोय, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी रिफाइनिंग यूनिट है. वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड. हमने अभी पीछे दो तीन वीडियो में ही डिस्कस करा था कि दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा में. गोवा जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है दूध सागर फॉल्स. Who was the President of India during the emergency of 1975 to 1977? तो आपको पता होगा 1975 से लेकर 77 के बीच में इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनके द्वारा ही इमरजेंसी इम्पोस्ट कराई गई थी. कौन किसके द्वारा कराई गई थी, तो प्रेसिडेंट को उन्होंने कॉल करके कहा था कि इमरजेंसी जो है वो इम्पोज करी जाए. तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद. तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है इन्होंने 1975 से 1977 की जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर किया था.